हेलो फ्रेंड्स, बीके स्टडी टैग में आपका स्वागत है। आज हम आपको एलसीएम निकालना सिखाएंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला है आपका गुणनखंड विधि, दूसरा है आपका भाग विधि। तो चलिए हम पहले गुणनखंड विधि से सीखना शुरू करते हैं। तो देखिए, गुणनखंड विधि क्या होता है। गुणनखंड विधि तो देखिए, गुणनखंड विधि इसको निकालते हैं। 24 गुणनखंड विधि में क्या करना पड़ता है, सबसे पहले अलग अलग खंड कर लेना होता है। 24, 30 और 40 सबका अलग अलग खंड कर लिए। अब देखिए, 24 का खंड कीजिए, 2 से किए 12, दुना 24, 2 से किए 6, दुना 12, 2 से करेंगे 2 तिहाई 6, 3 से करेंगे 3 एकम 3, ये हो गया। अब 30 का कर लीजिए, 30 का करेंगे तो 2 से करेंगे तो 15 दुना 30 हो गया, 3 से करेंगे तो 5 तिया 15 हो गया, और 5 से करेंगे तो 5 एकम 5 हो गया। 40 का देख लीजिए कि 2 से करेंगे तो 20 दुना 40 हो गया, और 2 से करेंगे तो 10 दुना 20 हो गया, और 2 से कर देंगे तो 5 दुनी 10 हो गया, फिर 5 से कर दीजिए 5 एकम 5 हो गया। तीनों का खंड करने के बाद आप तीनों का लिख लीजिए कि 24 का जब खंड करेंगे तो 24 का लिखेंगे, इधर लिख देते हैं आगे। 24 का खंड करने के बाद 24 का लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 3, यानी 24 का इतना खंड इतना बार में आया है। अब देखिए, 30 का भी लिख लेते हैं, 30 में आया है, देखिए 2 से आया, 2 आया है, 3 आया है और 5 आया है। और फिर 40 का देख लीजिए, 40 में देखिए 2 कितना बार आया, 3 बार, तो 1 2 3 बार लिख दिए 2, और उसके बाद 5। अब देखिए, और एक बार लिख लेते हैं 24 का क्या करते हैं, 2 कितना बार आया, 3 बार आया है, तो 2 को 3 पर लिख, 2 पर यानी कि 2 का 3 घात, यानी 2 पर पावर, पावर का मतलब कि हाईएस्ट पावर, यानी कि 2 3 बार लिखा गया है, ठीक, और गुने 3। अब फिर देखिए 30, 30 का अब देखिए, 30 में 2 कितना बार आया है, 2 एक ही बार आया है, यानी एक ही लिखा है पावर। 3 कितना बार आया, एक बार आया है, और 5 कितना बार आया, एक बार आया है। अब देखिए, जैसे कि 40 का भी लिख लेते हैं, 40 में देखिए 2 कितना बार आया है, 3 बार आया है, और 5 एक बार आया है। तो इसमें देखिए, तीनों में कंपैरिजन कीजिए कि 2 का सबसे बड़ा घात किस में है, तो 2 का सबसे बड़ा घात 3 ही है, तो 2 का सबसे बड़ा घात 3 उतर गया, ठीक। और उसके बाद इसमें 3 में देखिए सबसे बड़ा घात किसका है, 3 में सबसे बड़ा घात एक ही है, तो यानी कि एक ही 3 उतरेगा, और 5 देखिए सबसे बड़ा घात किसका, यानी कि 1 5 उतर गया। अब गुना कर दीजिए कि 2 को अगर यदि गुना करना है, कि यानी कि 2 को जैसे कि हम लिख सकते हैं ना कि 2 को 3 बार किया, 2 × 4 4 × 8, 2 × 4, जैसे कि देखिए 2 को 3 बार गुना कीजिएगा, 1 2 3 बार गुना कीजिएगा, तो 2 × 4 4 × 8 होगा कि नहीं होगा, तो उसी तरह से यानी कि हम 8 लिख सकते हैं, गुने 3 और गुने 5। तो देखिए 8 × 3 = 24 हुआ, 24 × 5 = 120 हुआ, तो यानी कि इसका जो एलसीएम होगा 120 आएगा, किसका, 24 30 40 का 120 आएगा। तो ये आपका हो गया गुणनखंड विधि। तो चलिए, आपको अब हम भाग विधि से सिखाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। तो अब चलिए हम आपको भाग विधि द्वारा सिखाते हैं। दूसरा है आपका भाग विधि, भाग विधि, भाग विधि में देखिए क्या करना होता है कि 24 30 और 40 ऐसे बना दीजिए खड़ी लाइन। अब देखिए 2 से कटाइए, सबसे पहले 2 से ही लीजिएगा, 2 सबसे छोटी अवाज संख्या होती है, ठीक, तो 2 सबसे 2 से कटाने का कोशिश करते हैं। 2 से 2 × 12 = 24 और 15 × 30 और 20 × 40। अब देखिए 2 से फिर से कटाइए, 6 × 12 = 15 नहीं कटेगा, तो उसे उतार दीजिए, 10 × 20। अब देखिए 2 से कट रहा है, 2 से 2 संख्या कट रहा है, तो इसको कटा देते हैं, 2 से 2 × 3 = 6 = 15 नहीं कट रहा है, जो कोई बात नहीं, 5 × 10। अब देखिए 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से कटाइए, 3 से कटाते हैं तो 3 × 1 = 3 और 5 × 3 = 15, अब 5 नहीं कटेगा तो उसे उतार दिए। अब देखिए 5 से कटा दीजिए डायरेक्ट, 5 1 हो गया, 5 × 5 हो गया, 5 × 5 हो गया, ये आपका आ गया। अब क्या करते हैं, सबको गुना कर दीजिए, 2 × 4 4 × 8 8 × 3 = 24 24 × 5 = 120, तो ऐसे मतलब कि पहले लिख लीजिए 2 × 2 यानी 2 कितना बार आया है, 3 बार,
तीन बार लिख दिया, तीन गुने पांच, आप सबको गुना कीजिएगा, दो दुनी चार, चार गुने आठ, आठ तीस चौबीस, चौबीस पंचे 120, आपका आंसर 120। तो सबसे आसान देखिए, आसान है आपका गुणनखंड विधि से, आसान है भाग विधि। तो अगर आपको एलसीएम पूछे कि अगर यदि आपको की कोई भी संख्या दिया रहे और आपको एलसीएम बनाने एलसीएम निकालने के लिए बोले तो आप भाग विधि का प्रयोग कीजिएगा। अगर यदि आपको बोला कि एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालें, जैसे अगर यदि बोल देता कि 24, 30, 40 का एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालें, तो हम आपको बता दें कि गुणनखंड विधि बेटर रहेगा, क्योंकि गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम दोनों एक साथ निकल जाएगा। तो चलिए, आपको दोनों हम क्लियर कर दिए, आपको जिस विधि से सुविधा हो आप उस विधि का प्रयोग करके अपना आंसर जल्दी निकाल सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।